हे ड्यू, वेलकम बैक टू गिटार लेजेंड गाइस। आज हम लोग अरमान मलिक जी का एक सॉन्ग का टैब लेसन करेंगे। सॉन्ग है घर से निकलते ही, जो कि लेटेस्ट आया है अरमान मलिक जी का। ओके सो गाइस, आज हम लोग इस सॉन्ग का टैब लेसन करेंगे और वो भी सिंगल स्ट्रिंग में। ओके गाइस, सिंगल ई स्ट्रिंग में हम इस सॉन्ग का टैब लेसन प्ले कर लेंगे। ओके सो गाइस, मैंने स्पेशली ये लेसन बिगनर लोग के लिए रखा है, जो कि सुपर बिगनर है, नया नया गिटार खरीदे हैं और सॉन्ग्स का टैब लेसन प्ले करना चाहते हैं। ओके सो गाइस, वो लोग इस लेसन के थ्रू इस सॉन्ग का टैब लेसन आराम से प्ले करना सीख जाएंगे। सो गाइस, अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर ई लाइन दिख रहा है वो है ई स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के ऊपर जो आपको डिजिट दिख रहे हैं वो है फ्रेट नंबर्स। ओके सो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो डिजिट दिख रहा है वो है 3, मतलब हमें थर्ड फ्रेट से स्टार्ट करना है। ओके देन उसके बाद जो हमें डिजिट दिख रहा है वो है सेकेंड, मतलब हमें सेकेंड फ्रेट पे बढ़ना है थर्ड फ्रेट से। ओके उसके बाद 0, मतलब हमें ओपन प्ले करना है। सो उसके बाद हमें फिर से सेकेंड फ्रेट पे प्ले करना है गाइस। देन उसके बाद हमें थर्ड फ्रेट पे प्ले करना है। देन थर्ड फ्रेट पे प्ले करने के बाद हमें फिफ्थ फ्रेट तक स्लाइड करना है थर्ड फ्रेट से। ओके सो देन लास्टली हमें थर्ड फ्रेट पे प्ले करना है। सो ये क्या लाइन बन गया हम लोग का, घर से निकलते ही। ओके फिर इसके बाद हमें सेवन फ्रेट से स्टार्ट करना है गाइस। सेवन, देन सेवन फ्रेट पे प्ले करने के बाद हमें टेन फ्रेट तक स्लाइड करना है सेवन फ्रेट से। ओके देन उसके बाद फिफ्थ फ्रेट पे प्ले करना है। देन उसके बाद सेकेंड फ्रेट, देन सेकेंड फ्रेट पे प्ले करने के बाद हमें फिफ्थ फ्रेट तक स्लाइड करना है सेकेंड फ्रेट से। देन लास्टली थर्ड फ्रेट पे हमें खत्म करना है। सो ये लाइन बनेगा। कुछ दूर चलते ही। ओके फिर इसके बाद हमें टेंथ फ्रेट पे प्ले करना है गाइस। देन टेंथ फ्रेट पे प्ले करने के बाद हमें फिफ्टीन फ्रेट तक स्लाइड करना है टेंथ फ्रेट से। ओके देन उसके बाद हमें 14 फ्रेट पे प्ले करना है गाइस। ओके देन 10 फ्रेट, 7 फ्रेट, 5 फ्रेट, देन हमें 5 फ्रेट से 7 फ्रेट तक स्लाइड करना है। सो ये लाइन बन गया। ओके गाइस, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट करना है, देन सेवन फ्रेट, देन हमें सेवन फ्रेट से टेंथ फ्रेट तक स्लाइड करना है। ओके गाइस, देन फिफ्थ फ्रेट, थर्ड फ्रेट, सेकेंड फ्रेट, देन हमें सेकेंड फ्रेट से फिफ्थ फ्रेट तक स्लाइड करना है। सो एक कंप्लीट लाइन कैसे बजेगा गाइस? मैं तो नहीं कह सका। ओके देन इसके बाद सेकेंड लाइन में फिफ्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट, स्लाइड टिल टेंथ फ्रेट, सेम, देन फिफ्थ फ्रेट, थर्ड फ्रेट, सेकेंड फ्रेट, देन हमें स्लाइड करना है सेकेंड फ्रेट से थर्ड फ्रेट तक। ओके इससे आगे का लाइन में हम लोग सेकेंड फ्रेट से फिफ्थ फ्रेट तक स्लाइड कर रहे थे, देन इस लाइन में हमें सेकेंड फ्रेट से थर्ड फ्रेट तक स्लाइड करना है। ओके गाइस, सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों लाइन के बीच। सो कोई बता दे मुझे। ओके गाइस, सो यहाँ पे टैब लेसन खत्म हो जाता है। ओके गाइस, सो इस वीडियो को आपको कैसा लगा? मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर आप लाइक बटन में हिट कर दीजिए गाइस, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हो गाइस तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।